यूपी को भूमाफियाओं से मुक्ति दिलाने वाली योगी सरकार के वादे खोखले साबित हो रहे हैं। ताजा मामला बलिया जनपद के सदर कोतवाली के अंतर्गत हरिपुर मोहल्ले का है, जहां बलिया सांसद भरत सिंह पर आरोप लगा है सांसद के इशारे पर करोड़ों की जमीन को अवैध कब्जा कर रखा है। पीड़ित भाजपा नेता का आरोप है कि जब सांसद विधायक ही इस तरीके का कार्य करेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार की साख पर बट्टा लगना तो तय है। जमीन पर अवैध कब्जा एक संगठित अपराध के रूप में सामने आ रहा है, जहां पर भूमाफिया सीधे साधे लोगों की जमीन को हड़पने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर पैसा कमाने की होड़ में लगे हैं। अजीत मिश्रा का मामला बस बानगी भर है। बलिया में ऐसे तमाम लोग हैं जिनकी जमीन पर भूमाफिया का कब्जा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। बलिया सांसद पर अवैध कब्जा का ये आरोप योगी व मोदी सरकार की साख पर बट्टा लगाने का काम कर रहा है। सरकारें आज़ादी के बाद से ही वोट और सत्ता के लिए लड़ती और जूझती आ रही हैं और आम जनता का हक और भूख के लिए अपने द्वारा चुनी गई सरकार के गोद में बैठकर भूमाफिया और गुंडों से खुद को बचाने में लगी है। भरत सिंह केंद्र सरकार के 4 साल बेमिसाल के उपलब्धियों को गिनवाने में गांव-गांव घूम रहे हैं, पर आम लोगों की माने तो योगी सरकार भूमाफियाओं पर इसलिए कार्रवाई नहीं कर पा रही है क्योंकि भाजपा के लोग भूमाफियाओं को संरक्षण देने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए सिस्टम और सरकार की आंखें बंद है और आम जनता आंसू बहाने को मजबूर है कि हम लोग शुरू से भाजपा के साथ रह चुके हैं। तमाम प्रूफ हैं जो कि मैंने भाजपा के लिए काम किया है, पूरी लोकसभा में काम किया है, अदर भी जाकर मैं काम करता रहता हूं पार्टी के। इसके बावजूद बस मैं चमचागिरी नहीं करता, मैं सिर्फ पार्टी के लिए काम करता हूं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए मैं काम करता हूं।